सो हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, मात्र 40 दिन बचे हैं आपके सीएसआर नेट एग्जाम में। अगर हम मान के चल रहे हैं कि जिस दिन होना है एग्जाम उसी दिन होगा, है ना, यानी कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो, तो इस समय, है ना, ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और किन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना चाहिए, ये हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। बात करेंगे कि 40 दिन, ठीक है, आप कैसे काटेंगे, 40 दिन की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या आपको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मेनली तो देखिए हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि आपकी रिवीजन कैसी होगी, आपकी प्रैक्टिस कैसी होगी और आपके मॉक टेस्ट कैसे देने होंगे। ओके, इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे डे वाइज। ओके, 1-4, ठीक है, 1 से लेकर 4 दिन आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी ने जो भी तैयारी कर रखी है बट वो एग्जिस्ट करती है, थोड़ी बहुत तैयारी आपने कर रखी होगी। अब ऐसे समय जब लास्ट के आखिरी 40 दिन बचे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार PYQs को थोड़ा सा समय दें, है ना, एनालाइज करें कि क्या क्या चीज़ें फिलहाल पूछी गई हैं और क्या चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। क्योंकि अगर आप 2019 से पहले का प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा कर देख लो तो तब वहां पर आपको कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 2019 के बाद से एक नया पैटर्न, एक नया प्रकार के क्वेश्चन, है ना, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी चेंज हुआ है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि 2019 से लेकर 2024 जून या फिर जुलाई जो भी आपका एग्जाम हुआ था उस समय के पूरे पेपर्स आपको देखने होंगे और आपको पॉइंट वाइज नोट करना होगा कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं पढ़ रखे हैं। अब जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखे हैं उसको आप जाइएगा और एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा जिसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है, है ना। मेक श्योर कीजिए कि आप एक प्रॉपर रेफरेंस यूज करें और उन्हीं रेफरेंस से आप वो पॉइंट्स को रिवाइज करें। ओके, पहली स्ट्रेटेजी रहेगी ये। अब इसके बाद देखिए 5 से लेकर 11th डे, है ना, 5 से लेकर जो 11 दिन तक का समय है उसमें आप क्या करेंगे, रिवाइज कोर कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज थ्योरेटिकल टॉपिक्स। अब देखिए ऐसे जरूर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा वेटेज वाले होंगे और हर बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो रेडॉक्स रिएक्शन से, है ना, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म कह लीजिए, उससे लगभग हर बार 1 या फिर 2 सवाल बनते ही है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको चुनना होगा और उनको अलग से आपको रिवाइज करना होगा क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं जो इससे क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है, क्वेश्चन बनना यहाँ से गारंटीड है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं और सिर्फ कोऑर्डिनेशन की नहीं, इनऑर्गेनिक में जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं पीरियोडिसिटी से हाईलाइट करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके। तो ऐसे टॉपिक्स आपको पीरियोडिसिटी से उठाना है और ऐसे ही करके आप सारे टॉपिक्स को देखो और उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो आप छांट लो, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। अब ये हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऐसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में देखना होगा। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वांटम टॉपिक की बात करूं तो क्वांटम में देखिए ऑपरेटर से बहुत ही रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वांटम के ऑपरेटर कॉन्सेप्ट से। ओके, ऐसे ही आप ऑर्गेनिक से भी हर चैप्टर, हर टॉपिक से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं और उसको मेक श्योर कीजिए कि आप डेफिनेट 100% प्योर तरीके से, है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से आप रिवाइज कर सकें। ओके, तो ये रहेगा आपका सेकंड स्ट्रेटजी। अब इसके बाद में देखिए बहुत सारी गड़बड़ें कहाँ पे होती हैं जी सर, जब न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला पता होता है ये अलग बात है बट उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना एक बहुत ही अलग बात है,
तो ऐसे समय में आपको ना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, स्पेशली जो फिजिकल केमिस्ट्री से बनते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक में आपको इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को तो नहीं मिलेंगे जितने आपको फिजिकल में देखने को मिलते हैं। सो दैट्स वाई आपको हर एक फॉर्मूला ठीक से आना चाहिए और उसको कैसे अप्लाई करना है ये आप एक बार अच्छे से देखना, और इसके लिए आप अलॉट कर सकते हैं 6 दिन। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आपको डेफिनेट टाइम टेबल फॉलो करना है, यस, और इसी टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप पास हो सकते हो या फिर JRF क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एज वेल एज मोस्ट इजी मेथड दैट यू कैन फॉलो, है ना। जब भी आप देखिए आपका जो भी टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है, उसको डिवाइड करोगे ना कुछ सेगमेंट्स में, तब आप देखिए वो छोटे छोटे टास्क जब अलॉट होते हैं ना तो उसको आप पूरा करते हो, बट आपने कोई भी प्लान नहीं बनाया, आपने कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, तब आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आप जो भी आपका एक्शन है, जो भी आपका प्लान है, वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई इस प्लान की आपको ज़रूरत है। ओके, तो मेक श्योर कि आप न्यूमेरिकल्स जो है वो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि क्वांटम से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, है ना, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, है ना, उससे भी आपको जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बताना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो, है ना, ये वाले सवाल बहुत ही आम तौर पे पूछे जाते हैं, स्पेशली 2 मार्क्स के अंतर्गत, तो ऐसे वाले भी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। अब ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स के हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि ऐसे ही करके आपके 2-2 मार्क्स क्या कर सकते हैं, 40 मार्क्स बन सकते हैं, 30 मार्क्स बन सकते हैं, और ये ओवर द पीरियड, है ना, ओवर द टाइम आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर 120 मार्क्स फॉर क्लियरिफाइंग JRF। ओके, ठीक है, और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री करना ही चाहिए, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, तो आप जो जो एनालिटिकल कर रहे हैं खासकर उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करके मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से भी न्यूमेरिकल्स करना। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 से 25 दिन तक का जो समय है, यहाँ पर आप फोकस करोगे मॉक टेस्ट एज वेल एज फोकस्ड रिविजन पे। अब मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट की जो इम्पॉर्टेंस है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बट आपको ये नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको कितनी बातें पता हैं और कितनी बातें नहीं पता हैं, यानी कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रखी है। सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट दें, और ऐसा भी हो सकता है कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आए या फिर ज़्यादा आए, तो कम आए तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट, है ना, डिप्रेस नहीं होना है, और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुश और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये बस मॉक टेस्ट हैं, ये आपकी तैयारी को बता रहे हैं, है ना, क्योंकि जब आप मेन एग्ज़ाम में जाओगे, है ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन क्या हो सकता है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो बस आप अपना बेस्ट दे रहे हो ये आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट से, एंड दैट इज़ सफिशियंट। और हर बार जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मेक श्योर कि आपके जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना, एटलीस्ट 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, बट बढ़ रहे हैं ये आप फोकस कीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन, ना कि बुरी। ओके, एनालाइज एंड रिवाइज, देखिए अब मॉक टेस्ट दे दिया है तो इसका मतलब आपका काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपका असली काम शुरू होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको ना आपकी कमजोरियों के बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर सकते हो और कहाँ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, ये आपको पता चलता है मॉक टेस्ट से। तो ऐसे समय आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको आप थोड़ा सा साइड रखिएगा, बट जो वीक पॉइंट्स हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट से आपकी गलतियाँ हुई हैं उसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर से उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और फिर से वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ताकि अगली बार जब मेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने आपके सामने तो आप उसमें गलती ना करो, ये आपको मेक श्योर करना है। ओके, सो इसलिए मॉक टेस्ट एज वेल एज फोकस रिविजन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 18 से 25 दिन के बीच में। अब 26 से 30 दिन के बीच में, यानी कि लगभग 1 महीना हो जाएगा यहाँ पे, और आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग उसके लिए 10 दिन बचेंगे। ओके, सो फोकस्ड ऑन एडवांस टॉपिक्स एंड क्लियर डाउट्स, है ना। अब देखिए ऐसा ज़रूर होगा कि
जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपने पढ़ रखे हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपका बहुत ही स्ट्रांग हैंड है, बट कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आपका हैंड ही नहीं है, है ना, यानी कि थोड़ा सा जी सर डगमगा जाते हैं, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब भी उस टॉपिक से सवाल पूछा जाए, जैसे कि स्पेशली कोऑर्डिनेशन का, फिर से मैं कह सकता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट, है ना, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसे टॉपिक्स आपसे छूटे ना पाए, क्योंकि पढ़ तो रखा है आपने, है ना, पहली यानी कि 80% आपने मेहनत कर ली है, अब बाकी के जो 20% है उसके लिए आप ना मेहनत करना ज़रूरी है, नहीं तो 80% मेहनत जो आपने की है वो बेकार चली जाएगी, ओके। और इसके बाद जो डाउट्स हैं वो क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेस हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, है ना, अब बहुत सारे सीरीज भी लाएंगे हम आपके लिए, जैसे एग्जाम मैपिंग सीरीज है ना, वन शॉट सीरीज आएगी जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार बताया था कि सर इससे क्वेश्चन जो आपने बताया था वो डायरेक्टली वैसा ही आया, तो आप हमसे भी क्लियरिफाई कर सकते हैं, है ना, और भी आपके दोस्त हैं जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं या फिर रेफरेंस हो सकते हैं इवन, और इनसे आप डाउट क्लियरिफाई कर सकते हैं। बट जब भी आप रेफरेंस यूज़ करो तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि रेफरेंस को आप ना बहुत ही शॉर्ट समय के लिए यूज़ करो, क्योंकि रेफरेंस एक समंदर है और हो सकता है कि आप उसमें खो जाओ, तो ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप रेफरेंस में जब एक बार घुसो अंदर तो उसमें खो ना जाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और फिर जो आपकी स्टडीज़ की फ्लो है, रिदम है, वो बिगड़ जाएगा, ओके। ठीक है, फाइनल रिवीजन एंड एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, देखिए ये आप 2 दिन या फिर इससे अलावा आप 4 दिन भी दे सकते हो इसको, ठीक है। फाइनल रिवीजन में आपको क्या करना है, जो भी सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़ रखे हैं, अब देखिए जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं ना उसका बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, वो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पार्ट सी में आते हैं 60 क्वेश्चन और आपको करने हैं मात्र 25, तो 60 क्वेश्चन देने का यही एक पॉइंट है कि आप उसमें से 25 करो, ना कि आप 60 के 60 आएँ, ऐसा कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने टॉपिक नहीं किया है उसके बारे में सोचो भी मत, फ़र्क नहीं पड़ता है, है ना, आ जाए नहीं आए, है ना, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, जो आपने किया है उसके ऊपर फोकस रखिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर फोकस करना, और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कौन से पार्ट को कितना समय देना है, पार्ट सी के लिए 1.5 घंटा, पार्ट बी के लिए 45 मिनट्स, और बाकी जो बचा है 15-20 मिनट पार्ट ए के लिए दे दीजिएगा, और उससे भी जो टाइम बचता है वो एक बार आप क्विकली रिवाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है, कोई गलती तो नहीं कर दी गलती से, ठीक है, ये आप मेक श्योर करेंगे। एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होना चाहिए, देखिए मॉर्निंग है ना, ये एक बस शेड्यूल है, ये हो सकता है कि आपका जो टाइम पीरियड है ना, आपकी जो डेली रूटीन है वो अलग हो, ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप अपने हिसाब से इसको फॉलो करें, बट जनरली जो सुबह का वक्त है आप उसको थ्योरेटिकल टॉपिक्स में दे सकते हो, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। आफ्टरनून आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स देख सकते हो, क्योंकि तब होता है जी सर थोड़ा सा नींद आने वाला समय। इवनिंग में चाय की चुस्कियाँ ले ली और मॉक टेस्ट पे बैठ गए, ठीक है, और नाइट में जी सर सोने से पहले जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको आप एनालाइज करके अपनी गलतियों को दूर कीजिएगा, ओके। कुछ चीज़ें जी सर है ना, अब देखिए रॉकी भाई बोल गए वायलेंस वायलेंस वायलेंस, बट हम बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, प्लीज़ अवॉइड कीजिए डिस्ट्रैक्शंस को, ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में, है ना, नहीं तो फिर आप खो जाओगे और आपका जो JRF है वो होना मुश्किल हो जाएगा, ओके। यस, डोंट लेट फोन यूज यू, आप फोन को यूज करें अच्छी बात है, बट फोन आपको यूज कर रहा है बहुत गलत बात है, यानी जितना आपसे काम बनता है ना फोन का उतना ही यूज करो, है ना, क्योंकि अब फोन पे आप काम से भी जाओगे ना तो ऐसा होता है कि वो यूटर्न ले लेता है जी सर, फिर आप इंस्टा पे चले जाओगे, फेसबुक पे चले जाओगे, एक अलग रास्ता पकड़ लोगे, ठीक है, तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि जिस काम के लिए आप फोन यूज करना चाहते हो उसी काम के लिए कर रहे हो और फोन आपको यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, और फोकस ऑन द गुड, यानी कि जो आपने मेहनत की है ना बस उस पर फोकस कीजिएगा, जो नहीं आया वो मेरा नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यस, नींद लास्ट के कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको
स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। लास्ट मिनट टिप्स, क्विक रिव्यू फार्मूला शीट। एक फार्मूला शीट अगर आप बनाएंगे तो ये लास्ट मिनट एग्जाम से जाने से पहले आप इसको एक बार फटाफट देख सकते हैं, और कुछ भी अगर आप भूल गए तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि ये आपको याद आ जाए। और भरोसा रखिए जी सर, हो जाएगा, ठीक है। सो होपफुली ये सारी चीज़ें आप पे हेल्प करेंगी, और इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने प्रिपरेशन में अपना सकते हैं, और इसी बेसिस पे आप अपना JRF जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।